ओ नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। हर किसी की कुछ ना कुछ मनोकामना होती है और हम उसके लिए भगवान से मन्नत भी मांगते हैं और अपने चाहते हैं कि जो भी हमारी मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरी हो। हर इंसान की अलग अलग मनोकामना होती है और हर इंसान के अलग अलग ग्रह नक्षत्र भी होते हैं। यदि आप चाहते हैं आपकी मनोकामना है जो आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय बता के आप पूरी करी जाए, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि उपाय जितने भी होते हैं वो तब तक आपको लाभ नहीं देंगे जब तक आपके ग्रह नक्षत्र उनके उन उपायों के साथ सटीक ना बैठ जाए, यानी कि उन उपायों के साथ मैच ना कर जाए। तो यदि आप चाहते हैं आपको हर उपाय का लाभ मिले, आपकी समस्या जो भी है समाप्त हो, तो आप एक तरीका है हमसे जुड़ने का। हम आपको बताएंगे आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय। ये आप देख रहे हैं, हर फोन में व्हाट्सएप होता है जैसे, ऐसे ही एक एप्लीकेशन है टेलीग्राम नाम की। इसको आप डाउनलोड करें अपने फोन में। इसको डाउनलोड करने के बाद इसी वीडियो के नीचे एक लिंक है हमारे ग्रुप का, वो ग्रुप ये दिख रहा है आपको कागज पर टोटके नाम से। इस कागज पर टोटके नाम से हमारा ग्रुप है, इसको आप खोलेंगे। इसमें आपको काफी कुछ जानकारियां मिलेंगी हमारे ग्रुप से संबंधित, जिन जिन लोगों को फायदा हुआ है उसके बारे में भी हमने इसमें बताया है। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, इस ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, तो कोई अन्य व्यक्ति आपका फोन नंबर नहीं देख पाएगा, ना ही आप किसी अन्य व्यक्ति का नंबर देख पाएंगे। तो गोपनीयता बनी रहेगी, प्राइवेसी बनी रहेगी, और हम आपका नंबर देख पाएंगे क्योंकि हमारा ग्रुप है। इसलिए हम आपको किसी भी दिन मैसेज कर देंगे और आपसे आपकी जो भी व्यक्तिगत समस्या है वो हम आपसे पूछ लेंगे। तो जुड़ने के दो तरीके हैं, एक तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है उससे जुड़ सकते हैं, या फिर इधर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सर्च पे जाएं, सर्च करने के बाद लिखें कागज पर टोट के, हमारा ग्रुप आपको दिख जाएगा। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अब चलिए आपको बताते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए जो उपाय है। इसमें आपको एक जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आपको करना है। पेन नहीं चल रहा है, ऐसा बनाना है। फिर लंबी सी लाइन इधर, इसी में एक तिकोना ऐसे आपको बना देना है। किसी भी कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अंदर लिखना है ह्रीम, क्या लिखना है? ह्रीम। इधर लिखना है ये, और यहां लिखना है फिर आपको 14 3 97 8 9 ओम। ये आपको लिखना है, एक बार एक चला के देखना चल पाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको अभिमंत्रित करने के लिए मंत्र है ओम श्री श्री क्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम क्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम स्वाहा, ये मंत्र आपको जाप करना है। तो ये आप करके देखें, ये उपाय आपको शुरू करना है सोमवार से सुबह 5 से लेके 8 बजे से शुरू करना है, और कम से कम इस मंत्र की आपको
चार माला रोज जपनी है। ज्यादा से ज्यादा आप 16 माला तक जाप कर सकते हैं। तो मनोकामना पूर्ति के लिए है, मगर जब आप मंत्र का जाप कर रहे हो तो आप इतना ध्यान लगा देंगे मंत्र जाप में, जो भी आपकी मनोकामना है, एक मनोकामना के लिए करें तो ज्यादा बेहतर है। जब आपका वो मनोकामना पूर्ति हो जाए तब दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। तो जब आप मंत्र का जाप कर रहे हो, माला का जाप कर रहे हो, तो पूरा ध्यान लगा देना है अपने दिमाग में कि ये जो आप परिणाम चाहते हैं अपने उपाय का, उसके उसके बारे में सोचते सोचते पूरा दिमाग लगा देना है कि वो मनोकामना की तरफ, और मंत्र का जाप करते रहना है। और ये रोज नियम मान लीजिए, कम से कम 51 दिन तो करना ही है, कम से कम। उससे पहले भी मनोकामना पूर्ति हो सकती है, मगर कम से कम 51 दिन आपको करना ही है। तो बंधु ये उपाय करके देखिए, इसमें आपको अवश्य लाभ मिलेगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। यहाँ तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा आपने अगर तक, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।